guys, welcome back to my channel Fruit is Satisfaction. So lesson number 5, मेरे लास्ट जो लेसन थे बेसिकली उसमें हम लोगों ने स्ट्रेट फ्लूट को पकड़ना और उसमें ब्लो करना सीखा था, और साथ ही साथ हम लोगों ने फिंगर की प्रैक्टिस जो है वो सीखी थी कि आप किस तरह से फिंगर की प्रैक्टिस कर सकते हैं स्ट्रेट फ्लूट पर. आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग स्ट्रेट फ्लूट से स्विच करने वाले हैं साइड फ्लूट की तरफ. आपने इस साइड फ्लूट को किस तरह से पकड़ना है और इसमें किस तरह से ब्लो करना है आज की वीडियो में हम लोग ये लर्न करेंगे. सो गाइस, लेसन स्टार्ट करते हैं. इस वक्त मेरे पास सी शार्प का फ्लूट है. आप लोग कोई भी फ्लूट जो है वो ले सकते हैं. सबका मेथड जो है वो बिल्कुल सेम है, ब्लो करने का और उसे पकड़ने का. आप इस फ्लूट को देख सकते हैं. इस फ्लूट में सबसे फर्स्ट पे एक होल है जिसे हम ब्लोइंग होल कहते हैं. हमने इसके अंदर ब्लो करना है. उसके बाद 6 होल हैं आपकी फिंगर्स के लिए, जैसे हमने स्ट्रेट फ्लूट में सीखा था. और लास्ट पर एक होल होता है जिसे हम फंक्शनल होल कहते हैं. ये भी यूज़ कर सकते हैं आप. ये फ्लूट बेसिकली राइट हैंडर के लिए है. मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, सो अगर आप इसे इस तरह से पकड़ेंगे तो आप ये होल भी यूज़ कर सकते हैं अपनी लास्ट फिंगर से. सो गाइस, इसे पकड़ने से पहले हम लोग इसमें ब्लो करना सीखेंगे. इसमें ब्लो करने के लिए बेसिकली दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है. आपको ये दो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप इसे ब्लो करेंगे. नंबर वन, आपकी माउथ की जो पोजीशन है जब आप इसे ब्लो करेंगे तब आपकी माउथ की पोजीशन कैसी होनी चाहिए. मीन टू से कि आपकी जो लिप्स हैं वो कितने ओपन होंगे, आपने ब्लो किस तरीके से करना है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है. और सेकेंड, आपकी पोजीशन वो जो है परफेक्ट होनी चाहिए इसे रखने की, कि आपने इसको कहाँ रखना है, होल को आगे पीछे किस पोजीशन पे रखना है. आपने इस दो चीज़ों का ख्याल रखना है इसे प्ले करने के वक्त. सो गाइस, सबसे पहले हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं कि आपने इसको किस पोजीशन पर एडजस्ट करना है. ये ब्लोइंग होल है. आपने अपने लिप्स और चिन के बिल्कुल मिडल में आप देख सकते हैं जगह है. इस पोजीशन पर आपने इसको रखना है लाइक दिस. आपने बिल्कुल मिडल में से लेके आना है अपने होंठों के. आपने इसको आगे पीछे इतना टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं रखना. और ब्लो करते वक्त आपने इस फिंगर को बिल्कुल कवर नहीं करना. आपने सिर्फ इसमें से आवाज़ निकालना सीखना है सबसे पहले. और आपने इसको फ्लूट को इस तरीके से पकड़ना है और इस तरह पकड़ के आपने यहाँ रखना है और इसमें ब्लो करना है. सबसे पहले पोजीशन आपकी यही होगी. आपकी पोजीशन ये है कि आपने इसको पकड़ के यहाँ रखना है बिल्कुल मिडल में और तब ब्लो करना है. अब ब्लो करने के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि आपके जो लिप्स होंगे वो बेसिकली बिल्कुल स्ट्रेच करके आपने रखने हैं. जैसे आपने पेंसिल के ढक्कन में कभी बचपन में जो है वो ब्लो किया होगा, आप बिल्कुल स्ट्रेच करते थे अपने लिप्स को और बिल्कुल एक बारीक सा होल बनाते थे और फिर उसमें ब्लो करते थे. इसी तरह आप बिल्कुल सेम ये मेथड है. जैसे आप पेन के ढक्कन में ब्लो करते थे, आप इसके अंदर भी उसी तरीके से ब्लो करेंगे. आप इसमें भर के ब्लो नहीं कर सकते, लाइक आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे. आपने बिल्कुल लाइट ब्लो करना है और स्ट्रेच करके अपने होंठों को बिल्कुल स्ट्रेच किया हल्का सा लाइक दिस, मिडल में रखकर बिल्कुल स्लो. ये बिल्कुल सेंटर में. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ रखते हैं और आवाज़ नहीं आती, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं आएगी. बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनके फर्स्ट टाइम रखने से आवाज़ आ जाती है, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है. बेसिकली ये काम सब्र का है, आपको जो है सब्र रखना पड़ेगा. मुझे एक हफ़्ता लगा था इसमें ब्लो करने के लिए. सो आपने बिल्कुल भी जो है वो हाइपर नहीं होना, गुस्सा नहीं करना. जाहिर सी बात है गुस्सा आता है, आपको बहुत इरीटेशन होती है जब इसमें ब्लो नहीं हो रहा होता. तो आप बिल्कुल आराम से सुकून से बैठ के इसे सीखें, बिल्कुल यहाँ रखें. अगर फॉर एग्जांपल ब्लो नहीं आता तो आपने किस तरीके से स्किनर से ब्लो निकालना है, आपने पोजीशन बिल्कुल सेम रखनी है. नहीं आया, आप क्या करेंगे, इसकी मूवमेंट को ऊपर नीचे करेंगे. ये ब्लो इस तरह हल्का सा उसे अंदर मूव करके देखें, फिर बाइड मूव करके देखें और बाइड हल्का सा अंदर. जहाँ पर ब्लो आता है आप उसको वहीं पर स्टॉप कर लें. मैं आपको करके दिखाता हूँ. देखिए ब्लो नहीं आया, आप इसको लाइट सा अंदर करें. देखिए कितना परफेक्ट ब्लो आया.
ब्लो ना आने की मेन रीज़न यही है कि आपकी जो पिच है वो ही हिली होती है, आपको पता नहीं चल रहा होता आपका आपका होल यहाँ होता है और आप ब्लो इस तरफ कर रहे होते हैं, या आपने बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन रखी होती है लाइक दिस, लेकिन आपका जो होल है वो बाहर की तरफ होता है या ज़्यादा अंदर होता है। सो आपने इसको आगे पीछे करके एडजस्ट करना है अपनी ब्लो के मुताबिक। ये अब ज़्यादा वाइड है, हल्का सा अंदर किया, अभी भी वाइड है, आपने और इसको अंदर करना है। सो ये हर किसी की डिफरेंट पिच हो सकती है। मेरा ब्लोइंग पॉइंट जो है वो यहाँ बनता है और मैं इसको ज़्यादा अंदर करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका थोड़ा सा साइड पे हो सकता है तो आप उसको उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे करके, ये सब का डिफरेंट हो सकता है। सो आपने देखना है कि आपका ब्लोइंग पॉइंट कहाँ पे है। आप सबसे पहले मिरर के सामने खड़े हों, मिरर के सामने खड़े होने के बाद आपने इसको रखना है और देखना है कि ये कहाँ पर आ रहा है। बिल्कुल मिडल पर रखने के बाद ब्लो करें और उसे आगे पीछे मूव करने के बाद देखें कि आपने इसको कहाँ पर एडजस्ट करना है। सो आपने ब्लो करना है, सबसे पहले इसी तरह सीखना है कि आपने बिल्कुल फिंगर्स जो है इसके ऊपर मूव नहीं करनी, इसको यहाँ से पकड़ना है, यहाँ रखा और गाइस ब्लो करने के बाद हम लोग आते हैं इसकी पोजीशन की तरफ कि आपने इसको किस तरीके से पकड़ना है। इसका पकड़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है स्ट्रेट फ्लूट की निस्बत। अगर आप इसे देखें, लास्ट 3 फिंगर्स आपने यहाँ रखी, यहाँ रख ली, लास्ट फिंगर से आपने इसे होल्ड करना है। ये जो आपका थंब होगा ये थंब बेसिकली यहाँ रखेंगे आप इसे। जब आप फ्लूट को मिडल में रखना सीख जाएंगे तब आपने इस तरीके से इसको पुश करना है अंदर की तरफ। आप इसे पुश करेंगे तो ये होंठों के साथ जो है वो दब जाएगी। आप इस तरह भी ब्लो करेंगे तो इसे प्रेस करके, अंदर प्रेस करने के बाद इसे ब्लो करेंगे। अगर आप उसे लूज़ छोड़ देंगे तो वो ठीक तरीके से ब्लो नहीं करेगा। आपने इसको अंदर की तरफ पुश करना है, इसको बिल्कुल साथ लगा के रखना है। अब जब उसे आप प्ले करेंगे तब उसे पुश करने के लिए आप ये थंब का इस्तेमाल करते हैं लाइक दिस। आप इस थंब से इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे। आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं, ये थंब और ये लास्ट फिंगर। अगर आप सारी फिंगर को ओपन करते हैं तब ये पोजीशन बनेगी इसको होल्ड करने की, कि आपकी फ्रूट जो है वो गिरे नहीं। लाइक ये थंब और ये फिंगर, ये थंब से आपने इसको दबा के रखा होंठों के साथ और लास्ट फिंगर से आपने इसका सपोर्ट दे दी ताकि आपकी फ्लूट जो है वो गिरे नहीं। अब ब्लो करने के बाद आपने किस तरीके से फिंगर्स को इसके ऊपर मूव करना है, सबसे पहले आपने ऊपर से फिंगर रखनी है लाइक दिस। एक फिंगर रखने के बाद इसको आपने ब्लो करना है। उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जब आप सारी फिंगर को बंद करेंगे तब हो सकता है कि आपकी ब्लो जो है वो गायब हो जाए, बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगा। तब आपको यहाँ से पोजीशन को आगे पीछे मूव करना पड़ेगा। बिगनर्स के साथ ये बहुत बार ऐसा मसला पेश आ सकता है कि आपको जब आप सारी फिंगर्स को बंद करेंगे तब बिल्कुल भी ब्लो नहीं होगा, आपका साउंड जो है वो गायब हो जाएगा। लास्ट सारी फिंगर बंद करने पे होता है या लास्ट 2 फिंगर बंद करने पे ऐसा होता है। उसके लिए आपको यहाँ से पोजीशन को ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। आपकी यहाँ से पोजीशन हिल चुकी होती है क्योंकि आपका सारा माइंड जो है वो आपकी फिंगर्स को रखने पे चला जाता है, आप यहाँ से पोजीशन को हिला देते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर यहाँ पर लास्ट पर साउंड नहीं आता तो आपने अपनी पोजीशन को सेट करना है अगेन, और सारी फिंगर बंद करने के बाद अगेन पोजीशन को सेट करेंगे और बिल्कुल लाइट सब लो करेंगे ग्राम में। सारी फिंगर्स को बंद किया और ग्राम में आपने जो है ब्लो करना है। आप सारा अंदर करें, बाहर,
नहीं आ रही क्योंकि आपकी पोजीशन हिली है। आप इसे अंदर की तरफ स्लाइडली मूव करते जाएं, यहाँ साउंड आपका परफेक्ट बैठ गया है। आपने बिल्कुल जो है घबराना नहीं है, अगर आपकी जो है आवाज़ गायब हो जाती है आपने अपनी पोजीशन को सेट कर लेना उसी वक्त ही। सारी फिंगर्स दबा कर बंद करनी है आपने, कोई भी आपका जो होल है वो लाइक इस तरह ओपन ना हो या यहाँ से ओपन ना हो, अगर कोई भी होल ओपन होगा तब भी आवाज़ नहीं आती। ये दो चीज़ें हैं आवाज़ ना आने की, जब आपका होल ओपन होता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आपकी जो फिंगर्स की ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होती है, सो आपकी आवाज़ जो है वो गायब हो जाती है या आपकी जो है पिच हिल जाती है यहाँ से। सो आपने इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो आपकी पिच का और दूसरा आपने इनके ऊपर मजबूती के साथ फिंगर्स दबा कर रखनी है और फिर आपने स्लाइड सा ब्लो करना है। जब आप इस पर ब्लो करना सीख जाएं, आपकी आवाज़ आपको लगे कि बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है मेरी आवाज़, आप इस पर ब्लो करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से फिंगर रखकर नीचे आते जाएंगे और आप सारी फिंगर बंद करने के बाद ब्लो करना सीख जाते हैं, तब आपने इसके ऊपर सरगम प्ले करनी है बिल्कुल नीचे से लाइक। बिगनर्स जब इस साइड फ्लूट पर सरगम प्ले करते हैं यहाँ से, तब उन्हें प्रॉब्लम आती है, उनकी फ्लूट गिरती है जब वो साइड फिंगर को ओपन करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि आप उसको इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, फ्लूट कब आकर उनकी पिच से हिल सकती है लाइक। जब वो सब फिंगर को ओपन करेंगे तब उनकी पिच हिल सकती है, वो पिच ना हिले उसके लिए उनको ये थंब जो है दबा के यहाँ पर रखना चाहिए और ये लास्ट फिंगर से लाइक दिस, ये इनकी पोजीशन है इसे होल्ड करने की। और उसके बाद ये जो पंचम है, ये पंचम लगाते हुए आपने ये फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना। आपसे प्रोफेशनल जो पंचम लगता है वो इस तरीके से लगाया जाता है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। इस तरीके से नहीं लगेगा, आप इस सरगम की प्रैक्टिस करेंगे जब आप इसमें ब्लो करना सीख जाएंगे। सो गाइस आप इस स्केल की प्रैक्टिस करें, इसके बाद आने वाली वीडियो में मैं एक अलंकार जो है वो अपलोड करूँगा, उसके साथ ब्लोइंग टेक्निक्स बताऊँगा कुछ आपको, जिससे आपकी जो है ब्लोइंग पावर अच्छी हो सकती है, आपका स्टेमिना जो है सांस का वो अच्छा हो सकता है उस एक्सरसाइज से। और आपने जो है बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना इसको सीखने के लिए, इसमें ब्लो करने के लिए आपने जो है सबसे पहले मिरर के सामने बैठना है, मिरर के सामने बैठने के बाद आपने इसको यहाँ पे रखना है, प्रैक्टिस करनी है देखकर कि आप गलत तो नहीं रख रहे कहीं पे, मिरर के सामने बैठ कर बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन आपने यहाँ रखनी है, फिर आपने इसमें ब्लो करना है और फिर फिंगर्स की तरफ आपने आना है। सो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको गुस्सा भी आ सकता है, इरिटेशन भी हो सकती है, सो आपने बिल्कुल जो है पेशेंट के साथ आपने इसको सीखना है, इंशाल्लाह जो है वो आपको बहुत जल्दी फ्लूट प्ले करना आ जाएगी। जब आप इसमें ब्लो कर लेते हैं तो सब टीचर यही कहते हैं कि आपने जो है 50-60% फ्लूट जो है वो सीख ली है। बेसिकली मेन काम इसमें ब्लो करना है, जब आपको ब्लो करना आ जाएगा तब आप जो है आगे कुछ भी जो है वो प्ले कर सकते हैं। सो मेन काम है इसमें ब्लो करना। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि आपने प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।